बीजेपी आदिवासियों को कहती है वनवासी, लोगों को जानवरों जैसा समझते हैं उनके नेता। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में बोला हमला। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस नेता और वायनाड सांसद राहुल गांधी ने शनिवार यानी 4 नवंबर को राज्य के बस्तर जिले के जगदलपुर में रैली की। राहुल ने यहां बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के नेता आदिवासियों को वनवासी कहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने एक नया शब्द निकाला है। वे लोग आदिवासियों के लिए वनवासी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। राहुल गांधी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी और वनवासी में बहुत अंतर है। अभी एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें एक आदिवासी के ऊपर पेशाब किया गया और फिर उसे वायरल किया गया। पेशाब करने वाला शख्स बीजेपी का नेता ही था। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेता आदिवासियों को जानवर से भी बदतर समझते हैं, इस वजह से ही वे जानबूझकर आदिवासी लोगों के लिए वनवासी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। राहुल ने समझाया आदिवासी शब्द का मतलब। कांग्रेस नेता ने लोगों को आदिवासी शब्द का मतलब भी समझाया। उन्होंने कहा कि आदिवासी का मतलब देश के पहले और असली मालिक से है, यानी इस देश की जमीन जंगल जो कभी आपकी हुआ करती थी आज उसे आपसे ही ले लिया गया है। राहुल ने कहा कि बीजेपी कभी इस बारे में बात नहीं करती है क्योंकि उसे ये सब आपको लौटाना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने ये शब्द निकाला है वनवासी यानी जानवरों की तरह वन में रहने वाला। ये शब्द अपमानजनक है, कांग्रेस इसे स्वीकार नहीं करती है। मोदी जी खुद को क्यों कहते हैं ओबीसी, राहुल का सवाल। राहुल ने कहा कि हमने अडानी का प्रोजेक्ट कैंसिल करके दिखाया है। देश के सबसे बड़े उद्योगपति और पीएम मोदी के दोस्त के प्रोजेक्ट को हमने कैंसिल किया है। हम जनता का नुकसान नहीं सह सकते हैं। कांग्रेस के कारण अब पीएम मोदी वनवासी नहीं बोलते, आदिवासी बोलते हैं, लेकिन सोच वनवासी वाली है। इस देश में दलितों को हर रोज तंग किया जाता है, ओबीसी का अपमान होता है। पीएम कहते हैं इस देश में सिर्फ एक ही जाति है, गरीब की। तब आप खुद को ओबीसी क्यों बोलते हैं? कांग्रेस नेता ने कहा कि पीएम मोदी अपने भाषण में कहते देश में एक ही जाति है, सिर्फ गरीब, मतलब इस देश में दलित, आदिवासी और पिछड़े नहीं है। देश में अगर सिर्फ एक जाति है तो आप अपने आप को ओबीसी कैसे कहते हैं? राहुल ने गिनाई सरकार की उपलब्धि। राहुल ने कहा कि यहाँ सबसे बड़ी मांग बैंक की मांग है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने आपको जो पैसे दिए उसे आप बैंक में सुरक्षित रखना चाहते हैं। 4000 सीधा बैंक में हम बोनस देंगे। 23 लाख करोड़ रुपए हमने किसानों के बैंक खाते में सीधे डाले हैं। जगदलपुर में 300 स्कूल खोले, 23,000 लोगों को जमीन बांटी गई है। स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले जिसमें बच्चे अंग्रेजी सीख रहे हैं। राहुल ने कहा कि बीजेपी सोचती है कि कहीं आदिवासी अंग्रेजी ना सीख जाएं क्योंकि वह हमारी नौकरी ले सकते हैं। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।